आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चकवाल और पायलट ऑपरेटेड चकवाल क्या होता है। मैकेक्स विवेक, ये मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है। चकवाल, ये मैंने इसका सिंबल बनाया हुआ है। चकवाल का काम क्या रहता है, एक साइड फ्लो अलाउ करता है, दूसरी साइड के फ्लो को ब्लॉक करता है। इसका सिंबल ये है, ये बॉल से समझना है हमको। इधर से सपोज ये ऑयल का फ्लो आया, इधर बॉल ने इसको प्रेस किया, इधर नहीं जा पाएगा, लेकिन इधर से जब फ्लो आएगा बॉल को लिफ्ट करके आगे को चला जाएगा। इस साइड में फ्लो अलाउड है, इस साइड में फ्लो नहीं अलाउड है, तो ये हमारा एक नॉर्मल चेक वाल्व हो गया। दूसरा हमारा होता है एक पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व। तो हमको अगर ये चेक वाल्व है, अगर दोनों साइड से फ्लो लेना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक पायलट लाइन लगा देते हैं। पायलट लाइन भी प्रेशर लाइन ही होता है। ये पायलट लाइन इसके बॉल पे एक्ट करेगा, ये बॉल पे जब इसका प्रेशर आएगा बॉल आगे की तरफ लिफ्ट हो जाएगा। अब लिफ्ट होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं, इधर से जब ऑयल का फ्लो आएगा तो भी इधर को चला जाएगा, और जब इधर से ऑयल आएगा तो भी यहाँ से होते ये नीचे की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे पायलट लाइन लगाने से इसका नाम चेंज हो गया, इसको बोलेंगे हम लोग पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व। ये चेक वाल्व हो गया, ये पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व हो गया, ये दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया। चेक वाल्व केवल एक साइड फ्लो अलाउ करेगा, दूसरी साइड ब्लॉक हो जाएगा। बट पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व, जब ये पायलट एक्टिव रहेगा दोनों साइड फ्लो अलाउ करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।